हेलो व्यूअर, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो लबर्ड्स के ऊपर है। जैसा कि आप सभी ने मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने अपने लबर्ड्स के केज के प्रोग्रेस के बारे में दिखाया था, और जो मेरे लबर्ड्स के चीक्स हैं वो बाहर आ चुके हैं, तो मैं यही प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैंने अपने लबर्ड्स के केज में एक ब्लू मास्क अपना केज में ऐड किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक फिशर था। अगर वो फिशर और किसी के साथ पेयर बनाता जो उसके बच्चे होते हैं वो मुल्स हो जाते हैं, इट मीन्स कि वो ब्रीड नहीं करते, तो इसलिए मैं एक उसके लिए एक नर ब्लू मास्क ले आया हूँ, क्योंकि ये फिशर है आई रिंग वाला। रिंग वाले कोई भी बर्ड्स होते हैं, अगर वो दूसरे बर्ड्स के साथ ब्रीड करेंगे तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ब्रीड नहीं कर पाते, उन्हें मुल्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे केज में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है, दो बच्चे निकले हैं, एक बच्चा मेरा जो था वो मर गया मटके के अंदर ही। वजह के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। वजह मुझे ये लग रही थी कि जो मटके का साइज़ था वो काफ़ी छोटा था, क्योंकि दो नर मादा और दो बच्चे, तीन बच्चे बैठते थे, तो मुझे लगता है वो छोटा वाला जो बच्चा था वो मर गया, उसकी वजह यही हो सकती है कि वो दब रहा होगा। तो इस बार मैंने कोशिश ये भी करी है कि अपने मटकी जो है वो चेंज करी है, एग्जिस्टिंग मटकी तो वही रहने दी, लेकिन मैंने और मटकी दूसरी लगा दी है, जिससे कि मेरे को और जो आगे फ्यूचर में ब्रीड मिले वो काफ़ी अच्छी मिले। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसे आप भी अमल करें और आप भी एजुकेट हों। ये आप देख रहे हैं ये बच्चा, जैसे इसी ब्लैक टोट है, ये लिट्विनो और पीच फेस की मादिन है, इनके म्यूटेशन से हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ जो इनकी ब्लड लाइन होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जब दो ग्रुप के बर्ड्स आपस में ब्रीड करते हैं तो जो उनका बच्चे वगैरह निकलते हैं उनकी जो ब्लड लाइन होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। ये देखिए, जैसा कि एक फिशर है, ये मादिन है मेरी, ये अगर दूसरे के साथ, क्योंकि पहले मुझे आइडिया नहीं था, फिर लोगों ने ही मुझे कमेंट करके बताया कि आप अगर ये ब्रीड तो कर लेंगे लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जो उनके बच्चे निकलेंगे वो मुल्स होंगे, बोले तो वो ब्रीड नहीं कर सकते आगे फर्दर। तो इसीलिए मैंने कोशिश करी ब्लू मास्क की। काफ़ी टाइम से मुझे ब्लू मास्क काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो मैं एक ब्लू मास्क ले आया हूँ रिंग में, आई रिंग में, फिशर में ही है वो। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी इनका पेयर बनेगा और ये भी ब्रीड करेंगे, और मैं अपने केज में मटकी भी लगाऊंगा। अगर आपके के पास भी लबर्ड्स हैं और ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखिए उनकी केज की लोकेशन फ़िक्स करिए। केज की लोकेशन अगर आपकी अच्छी फिक्स हो गई तो उसमें मटकी लगाइए, मटकी का साइज़ अच्छा होना चाहिए काफ़ी, थोड़ा जितनी बर्ड्स होती है कम से कम 8 इंच या 10 इंच चौड़ा बेस हो उसका, 8 इंच तो एटलीस्ट हो ही, क्योंकि हमारा जो लबर्ड्स होता है उसका साइज़ जो होता है मिनिमम 5 इंच तो होता ही होता है, 5 से 6 इंच होता है, तो थोड़ा और स्पेस होना चाहिए, उतना होना ही चाहिए जिससे कि वो जब ब्रीड करें, क्योंकि वो 7 से 8-8 अंडे देते हैं, सारे अंडे तो फर्टाइल नहीं होते, लेकिन लगभग 4-5 तो हो ही जाते हैं फर्टाइल। तो उससे ये होगा कि जो भी आपकी ब्रीड निकली बहुत ही अच्छी निकलेगी। मेरे पास ब्रीड भी हुई है, रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं, बच्चे जो हैं काफ़ी हेल्दी हुए हैं, लेकिन इनकी फूडिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप इन्हें स्प्राउट हो गया, जैसे भीगे हुए चने गेहूँ वगैरह खिलाए इन्हें, आप दाल दे सकते हैं, दाल में आप मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, भिगो के दीजिए स्प्राउट करके। स्प्राउट करके देंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीनियस और एनर्जेटिक हो जाती है। अगर आप इस तरह से उनके डाइट में ये सब चीज़ें ऐड रहेंगी तो होगा ये कि कभी भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी ब्रीडिंग के ऊपर। अगर आप मेरा चैनल उत्तरांचल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरा चैनल उत्तरांचल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल उत्तरांचल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, घंटे का निशान आएगा, तो वो घंटा ज़रूर दबा दें, उससे होगा ये जब भी कोई मेरी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए ब्लू मास्क, अभी तो बेचारा काफ़ी डरा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि अक्सर यही होता है छोटे, ये तो ट्रैवलिंग केज है, ट्रैवलिंग केज में बेचारे वैसे ही डरे हुए होते हैं। ये लेकर आया हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यंग ही है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे। ये देखिए मैंने अपने जो केस था उसमें मटकियाँ दो लगा दी हैं, एक ग्रीन कलर और रेड कलर की, मैंने पेंट कर दिया काफ़ी, थोड़ा देख के अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और इस बार जो मैंने मटकी का साइज़ है वो बढ़ा लिया है, और उम्मीद करता हूँ जो अगली ब्रीड होगी
उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और बच्चे जो मेरा वगैरह जो लॉस हुए थे वो कभी नहीं लॉस होंगे। इसके साथ साथ ये देखिए, अब साथ में दोनों बैठने भी लगे हैं, होता है फिशर है, दोनों फिशर हैं, फिशर फिशर का कॉम्बिनेशन रहता है। क्योंकि जब मैं पहला फिशर की मादन लाया था, होता क्या था, वो उसे अलग बैठे रहते थे और जो दूसरे नॉन फिशर मेरे लबड़ थे वो उसे मारते रहते थे। वो ज़रा एक रात में भी देखता था, मैं अकेले ही बैठ के कोने में सोता था। तो इसीलिए मैं इसके लिए मादे एक नर ले आया हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ ये दोनों भी अपना पेयर बनाएंगे। अभी तो काफ़ी यंग है, थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें पेयर बनाने में और ब्रीड करने में, लेकिन फ़िलहाल ये साथ में बैठना इन्होंने शुरू कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी अच्छी ब्रीड करेंगे। ये देखिए मैंने दो मटकी लगा दी, इस बार मटकी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, और एक ब्रीडिंग बॉक्स भी लगा रखा है, लेकिन ब्रीडिंग बॉक्स में कोई भी मेरा लबड़ बैठ नहीं रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ के भी ये जिस भी ब्रीडर के ये लबड़स हैं वो ब्रीड अपनी मटकी में ही लेते होंगे, इसलिए एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या सवाल हों तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन की जवाब देने की। और इन्हें मैं खाने में, ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, खाने में मैंने ये कैल्शियम ब्लॉक तो हमेशा लगा रहता है, और मैंने भीगे हुए चने और गेहूँ भी देता हूँ साथ में, और सीड मिक्स में मैं कंगनी, गिनारा, पैड़ी, धान हो गया आपका, ये सब चीज़ मिला के मैं इन्हें वो भी देता रहता हूँ। इसके साथ साथ मैं इन्हें ग्रीन वेजीज भी देता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए, इसी तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियो और भी लाता रहूँगा। थैंक यू।